किसी भी औरत को कैसे हासिल करें, प्यार कराने का तरीका, मर्दों के लिए मशवरा, टूटे हुए दिल को अपना बनाने या खालिस दिल को आपसे प्यार करने का कोई सुनहरी फार्मूला नहीं है। लेकिन याद रखें कि कोई जादुई मोहब्बत की दवाई अभी नहीं है। जब वो आपके रवैये या आपकी गलती पर बहुत नाराज़ होती है तो उसे आपकी मोहब्बत और तवज्जो की ज़रूरत होती है। इस बात को यकीनी बनाएं कि उसे वक्त दें और उसे अल्फाज और आमाल से दिखाएं कि वो वाकई आपके लिए कितनी अहम है। हमेशा याद रखें, ये वो छोटी चीज़ें हैं जो आप अक्सर करते हैं, बमुकाबला बड़ी चीज़ों के जो आप कभी कभार करते हैं, जो आपके लव बैंक अकाउंट में सरमायाकारी पर सबसे ज़्यादा मुनाफा फराहम करती हैं। ये टेक्निकें और नुकात हर किस्म के रिश्तों के लिए कारामत साबित होती हैं और यकीनी तौर पर इससे आपको दोबारा प्यार करने में मदद मिलेगी। पहला तरीका, उसकी बात सुने। ख्वातीन उस मर्द से मोहब्बत करती हैं जो उनके मसाइल और परेशानियों और ख्वाहिशात को सुनता है। जब आप उसके साथ बातचीत करते हैं तो आप पहले से ही एक कदम आगे होते हैं। खुले जहन बने और मुख्तलिफ इख्तियारात पर तबादला ख्याल करें। आपको सिर्फ तभी मशवरा देना चाहिए जब वो पूछे। बातचीत को खुला और प्यार से रखना यकीनी बनाएं। एक बार जब उसे मवासलात की ताकत का एहसास हो जाएगा जो आप उसे देते हैं, वो फिर आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगी। दूसरा तरीका, उसकी शक्ल की तारीफ करें। हर कोई अच्छी तारीफें पसंद करता है, लेकिन ख्वातीन खास तौर पर अपने साथी से सुनना पसंद करती हैं। तारीफें मुखलिस, ईमानदार और सीधी होनी चाहिए, पर ज़्यादा ना करें। हद से ज़्यादा तारीफें आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं और नतीजा मुस्तरद होने का सबब बन सकता है। लिहाजा उसे मुनासिब तरीके से करें और आपको उसका बहुत अच्छा अजर मिलेगा। तीसरा तरीका, उसके फैसलों की हिमायत करें। हम सबकी ख्वाहिश है कि आपकी बात सुनी जाए और आपके साथी के फैसलों में उसकी हिमायत करना एतमाद, ताल्लुक और बेहतर मोहब्बत में एक अहम कदम है, जैसा कि रोज़मर्रा के कामों में मदद करना या उसके करियर जैसी अहम चीज़। खुले जहन और कान के साथ पूरी तरह मौजूद रहें। चौथा तरीका, उसे बताएं कि आप उसे कितना प्यार करते हैं। आमाल अल्फाज से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, लेकिन दरहकीकत अपने साथी को ये बताने से कि आप उसे कितना प्यार करते हैं, उसकी मोहब्बत ज़्यादा गहराई में बढ़ जाएगी। पांचवा तरीका, उस पर तवज्जो दें। अपने साथी के साथ मियारी वक्त गुजारना, ख्वाहिश को बढ़ाने और उसे आपके साथ ज़्यादा गहराई से प्यार करने के सबसे ताकतवर तरीकों में से एक है। एक साथ इश्तराक करने के लिए नए मशाकिल और सरगर्मियां तलाश करें। उसके साथ बात करते वक्त अपना फ़ोन रख दें और पूरी तरह मौजूद रहें। छठा तरीका, मोहब्बत को परवान चढ़ाएं। किसी खास मौके का इंतज़ार ना करें। अपनी मोहब्बत को तवज्जो के साथ निछावर करने के लिए उसे सरप्राइज डेट पर ले जाएं। उसे बताएं कि वो आपके लिए कितनी अहमियत रखती है और उसे दिखाते रहें कि वो आपके लिए कितनी ख़ास है। फिर देखें कि वो आपकी कोशिशों की कितनी तारीफ़ करेगी। सातवां तरीका, अच्छे दिखें। तमाम अच्छी आदत को छोड़कर ख्वातीन खूबसूरत मर्द की तरफ रागिब होती हैं। आपको अपने आप को थोड़ा सा तैयार करना चाहिए। आपको बेहतरीन कपड़े, बेहतरीन ऐनक, स्मार्ट घड़ियां और खूबसूरत जूते पहनने चाहिए। जब आप खूबसूरत नज़र आते हैं और अपनी ज़ाहरी शक्ल पर फ़ख्र करते हैं तो आपकी लड़की आपसे प्यार करेगी। आठवां तरीका, मज़ाक़ेस और खुश मिजाज बने। ज़िंदगी में खुशी तलाश करें कि क्या सही है और क्या गलत।
अपने ताल्लुकात में सही होने पर खुश होने का इंतखाब करें और मोहब्बत को फलते फूलते देखें। एक औरत के लिए मर्द से ज़्यादा पुरकशिश कुछ नहीं जो पुरएतमाद, ज़हीन और अच्छी तरह से तैयार और मज़े का खेज हो। नतीजा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उसे आपके साथ प्यार करा देंगी, चाहे आप किसी नए रिश्ते में हों या बरसों से इकट्ठे हों। ये ख्यालात आपके बंधन को महफूज बनाएंगे और एक मजबूत रिश्ता कायम करेंगे। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़े मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता है हमारे जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।